उससे माला जप कर रहे थे, इतने में एक किसान बड़े तृष्णार्थ था, हाँ बड़े प्यास लग रहा था, उन्होंने आकर पानी मांगे, बोले बाबा मेरे को बड़े प्यास लग रहा है, थोड़ा पानी पिला दो। उन्होंने किया कि जो माला जप कर रहे थे वो माला को रख दी और उन्होंने उनको पानी पिलाया। गुरु जी ने इसको देख करके ना बिगड़ गए, गुरु जी ने देख करके बिगड़ गए, बोले क्या तू माला कर रहा था, तुमको पता है माला मतलब ठाकुर जी की सेवा करना, क्या ठाकुर जी की सेवा से एक किसान को पानी पिलाना बड़ा बात हो गया, और तुमने ठाकुर की माला आधा रख दिया और आधा माला से तुम जा करके फिर किसान को पानी पिलाना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जैसे माला जप कर रहे हो ना, माला जप करते करते अगर बीच में कोई काम अगर आ जाए, अगर कोई गुरु वैष्णव की सेवा हो, ठाकुर जी की सेवा हो, तभी माला को रखो। ऐसे नहीं बिना कारण से माला पूरी नहीं हुई, जैसे आधा माला तुम्हारी है, एक माला कर रहे हो आधा में हो, कोई साधारण काम संसार का काम पड़ेगा जट माला रख दी, नहीं कोशिश करना कम से कम जो पूरी माला है ना एक माला जैसे खत्म हो जाए, है फिर उसको सर पर लगा करके छू करके फिर जाओ। अगर ठाकुर का अगर सेवा पड़ा, विशेष ठाकुर का सेवा किसी साधु की गुरु जी की, फिर आधा माला में रखना। कैसे रखोगे, मेरे तरफ में देखो, एक तरफ एक बार जैसे ये माला कर रहे हो, ये माला में आधा में तुम्हारी माला खत्म हुई है, जब किसी माला को ऐसे निकाल कर रख दो, जब फिर माला करोगे फिर एक दो माला आगे से कर लेना, पीछे से नहीं, फिर आगे और थोड़ा ज्यादा करके एक दो माला कर लेना, और माला बीच में हठात नहीं रख लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जैसे माला पूरी हो जाए एक माला, उसको बाद में माला को रखने का। इसलिए बिगड़ गए उनका गुरुदेव, बोले लगता है दुनिया को पानी पिलाने का तुम्हारी इच्छा, जाओ आश्रम से निकल गया मेरे पास। लेकिन उनको गुरु तो साधारण नहीं, वो मंजुला ले सकती, लेकिन चेला भी साधारण नहीं, वो साक्षात चैतन्य महाप्रभु का प्रेमा बता रहे, इन्हों को निकाल दिया तो जरूर कोई रहस्य होगा। फिर तो उन्होंने गुरु जी के आदेश जब पाए, जा करके मणिपुर में गए, ऐसे भक्ति को उन्होंने प्रचार किया, पहले तो राजा को चेला बनाया, और राजा अगर चेला बन जाए प्रजा तो पूरा के पूरा मणिपुर में पूरा के पूरा संत हो गए, पूरा राज्य वहां के सबके सबको गले में तुलसी कटी, सबके सब माला जप करते हैं, यहाँ की स्त्रियां भी हमारे जैसे वस्त्र पहने ना, गौरी की वस्त्र पहने, स्त्रियां भी ऐसे वस्त्र पहनते हैं वहां की, हैं ऐसे अभी भी जाओगे वहां पर चैतन्य महाप्रभु का वहां मंदिर है, 108 मृदंग बजता है और वहां पर हरि कीर्तन होता है, देख लो तो 108 मृदंग वहां पर बजती है। इसलिए ये नर्तम दास ठाकुर जी का इतने प्रभाव रहा है, इसलिए हम जो उसी जो मंदिर में जाएंगे उसी मंदिर में वो ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, बड़ा सुंदर ठाकुर जी है, जो साक्षात भगवान से जो भक्तों से बात करता था, कोई जरूरत चीज पड़े तो अपना भक्तों को बोलता था ये दो मेरे को, ये दो अभी भूख लग रहा है पानी पिलाओ, प्यास लग रही है खाना खिलाओ हमें, ऐसे 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 वो बात करते थे। इसलिए वो मंदिर में जाएंगे, पता जी ये मंदिर कितने बजे खुलेगी, माता जी ये मंदिर कितने बजे खुलेगी, कब पैन 8 बजे दिखता ना, ठीक है। हाँ देखो अब आप लोगों ने सुना ना, अभी जो ठाकुर को देखोगे ये श्री रूप गोस्वामी, ये रूप गोस्वामी इसको अपना हाथों से बनाया, ये ठाकुर को किसने नहीं बनाया, श्री रूप गोस्वामी का नाम जानते हैं ना, इन्होंने अपना हाथों से बनाया और बना करके उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को प्रदान की। ये जो ठाकुर जी वो छोटे पीछे देखो बड़े ठाकुर जी, सामने देखो छोटे ठाकुर जी, अपना हाथों से बना करके उनको ये विग्रह दिया था, इसलिए इनका नाम क्या है, राधा दामोदर। आप लोगों ने सुना दो दामोदर हो गया, एक तो हो गया श्री जसोदा दामोदर और एक हो गया राधा दामोदर। अभी सुन रहे थे जब रास करते करते कृष्ण रासों से अंतर ध्यान हो गए, हैं क्योंकि राधा रानी की मान हो गया, मेरे बराबर सब जैसे गोपियां, और गोपियों का अंदर में सौभाग्य मत आया, हम तो सबसे बड़े सौभाग्यवती, कृष्ण हमारी इतनी चापलूसी कर रहे हैं, जो एक हाथ में काजल पहनी थी कृष्ण उनको दोनों हाथ में पहना दिया, जो गले के हार कमरे में कमर के करदनी गले में पहन लिया था कृष्ण ठीक सजा दी, जिसने एक
आधा कपड़ा पहन करके आई थी, कृष्ण पूरे कपड़ा पहना दिया, और जब पसीना बह रहा था ना, कृष्ण दुपट्टा से पसीना पोंछ रहे थे। जब कभी कभी कृष्ण कहते थोड़ा पैर दबा दो, क्या पैर दुख गया? देखो स्त्रियों में दोष किया, अगर पति बहुत प्रेम किसी को करे ना, फिर वो सर पर चढ़ बैठती है, उनको अंदर में तो बड़ी अभिमान है, देखो कृष्ण हमें कितने प्यार, कितने कृष्ण प्रेम करते हैं, हैं? इतने में इन लोगों ने राधा रानी को अनादर करना शुरू कर दिया। बोले राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, हम तो स्वयं नायिका है, हमारे किसी की जरूरत नहीं, कृष्ण दिखाई गड़बड़ी है, राधा रानी के बगैर रास असंभव है, ये तो राधा रानी को निगलेक्ट कर रहे हैं। फिर वहां पर कृष्ण राधा रानी मान करके जब चली गई, गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए कृष्ण सब गोपियों को छोड़े और उसी राधा रानी को लेकर के चले गए। गोपियां जब ढूंढते ढूंढते, फिर राधा रानी के मन में जब उनको श्रृंगार कर रहे थे, राधा रानी की भी अभिमान हुई, कृष्ण राधा रानी को भी त्याग दिए। फिर गोपियों ने कहा एक काम करो, उनको उनका कीर्तन बड़ा प्यारा है, चलो हम जमुना किनारे में बैठ कर कीर्तन करेंगे। जब कीर्तन किए वहां पर, कौन सा कीर्तन किए? बोले गोपी गीत को गाए, बोले जयती तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा।